उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनके सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेलों 2022 में प्रतिभाग करने के लिए गुजरात रवाना होने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी खिलाड़ियों और उनके कोचेस को राष्ट्रीय खेलों 2022 के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में खेल के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 29 सितंबर से गुजरात में होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 395 खिलाड़ी 26 खेल स्पर्धाओं में अपना प्रदर्शन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित खेल निदेशक समेत विभिन्न खेलों के हमारे जो कोचेज हैं, प्रतिभागी खिलाड़ीगण हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 36वें नेशनल गेम्स गुजरात में प्रारंभ होने जा रहे हैं और अब तक की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खिलाड़ियों की टीम वहां के लिए रवाना होने वाली है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी को बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जो यहां पर खेल निदेशक बता भी रहे थे कि 15वें नेशनल गेम में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 20 राष्ट्रीय खेलों में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित की थी और उसमें 68 मेडल जीते थे। पिछले 5-6 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के अंदर खेल के प्रति जो जागरूकता बढ़ी और ये केवल स्वस्थ रहने के लिए ही नहीं बल्कि स्वयं की, अपने गांव, जनपद, प्रदेश और देश की सामर्थ्य को व्यक्त करने का भी एक माध्यम आज खेल बना है और उत्तर प्रदेश ने इसमें अच्छी प्रगति की कि इसमें 20 की बजाय अब 28 गेम में उत्तर प्रदेश की प्रतिभागिता होने जा रही है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के खेल विभाग को, सभी कोचेज को और सभी अपने खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं कि उत्तर प्रदेश के नए सामर्थ्य को व्यक्त करने वाला एक अभिनव प्रयास है। इस समय जो उत्तर प्रदेश की ओर से जो खेलों में वहां भाग लेने वाले खिलाड़ी वहां जाने जा रहे होने जा रहे हैं, उनमें कुल 462 खिलाड़ी और कोचेज मिलाकर के वहां इस पूरी टीम के साथ वहां पर जाएंगे, प्रतिभाग करेंगे। मैं भी जब परिचय ले रहा था, मैं देख रहा था कि बहुत सारे खिलाड़ी स्थानीय स्तर पर ली गई रुचि और निजी क्षेत्र के द्वारा किए गए प्रयास के कारण भी उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने में मदद मिली है, खासतौर पर वाराणसी और गाजीपुर में। और मैंने खेल विभाग को पहले भी कहा, मैं फिर कहूंगा कि शासन अपने स्तर पर तो प्रयास करता ही है लेकिन निजी खेल एकेडमी जो चलाते हैं उन लोगों को शासन स्तर पर कोई सहयोग नहीं मिल पाता है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम पॉलिसी लेकर के ऐसे स्पोर्ट्स एकेडमी को जो अपने स्तर पर उन्हें संचालित कर रहे हैं उन्हें शासकीय सहयोग हम दे करके प्रोत्साहित करेंगे तो हमें बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे पास छन करके आ जाएंगे और एक अच्छी टीम हमें हरेक स्तर पर बनाने में मदद मिलेगी और इस दिशा में भी एक प्रयास होना चाहिए। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर विगत 5.5 वर्ष के अंदर अनेक कदम बढ़ाए हैं और गोरखपुर में हम लोगों ने एक महाविद्यालय में स्टेडियम का लोकार्पण का कार्यक्रम वहां पर था। लोगों में कितनी रुचि थी, हजारों की संख्या में लोग वहां पर थे।
पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में भी अच्छा स्टेडियम बन सकता है, यह तक लोगों के लिए कल्पना थी। लेकिन आज इसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वास्तविक हकीकत में बदल रहे हैं, और इसके लिए प्रदेश सरकार ने हर एक गांव में खेल के मैदान, ओपन जिम, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के गठन के साथ उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर तो आगे बढ़ाया ही है। साथ साथ प्रदेश के अंदर मिनी स्टेडियम, स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई को भी एक नई गति दी है। इस दिशा में और भी बेहतर क्या हो सकता है, प्रदेश सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर जो खिलाड़ी 36वें नेशनल गेम में प्रतिभाग करने के लिए गुजरात जा रहे हैं, उन सबको मेरी बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं उन सबके प्रति, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि और बेहतर करते हुए वो उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य और उत्तर प्रदेश के सम्मान को बढ़ाने का कार्य 36वें राष्ट्रीय खेल में करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।